माय इलेक्ट्रिकल स्किल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बोर्ड वायरिंग, जिसमें चार स्विच और चार 5-पिन सॉकेट लगे हुए हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ये देखिए, नीचे में 5-पिन चार सॉकेट लगे हैं, ऊपर में चार स्विच, ठीक है। एंकर कंपनी का बोर्ड है, तो इसके कनेक्शन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे का कवर है ये, इस पे साइज लिखा हुआ है बोर्ड का, आप देख सकते हैं। तो 2 मोटाई और 6 चौड़ाई और 8 लंबाई इस बोर्ड का साइज है। एंकर कंपनी का बोर्ड एंड एंकर कंपनी का स्विच है और एंकर कंपनी का ही सॉकेट है। तो इसका कनेक्शन अब चलिए करते हैं, इसको उलट के देखते हैं। उलटने के बाद आपको पता ही है कि 3 कलर का वायर लेना है, एक न्यूट्रल के लिए ब्लैक, अर्थिंग के लिए ग्रीन और फेज के लिए रेड। तो फ्रेंड्स, वायर को किसी चाकू या प्लास या कटर के माध्यम से वायर को छीलेंगे। तो मेरे पास ये कटर है, कटर से देखिए ऐसे छील करके अर्थिंग वाले में कस के देखेंगे कितना दूरी पे हमें यहाँ पे छीलना होगा वायर को बिना कट किए हुए। तो ऐसे थोड़ा सा कट निशान लगा लेंगे इस कटर से, और जितना दूर छीलना है फिर दोबारा निशान लगाएंगे, निशान लगा के चाकू से उतना दूर इंसुलेशन हटा लेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि मैं वीडियो में करके आपको दिखा रहा हूँ। इससे भी बढ़िया आपके पास उपाय है तो हमें कमेंट्स करके जानकारी दे सकते हैं। मुझे तो ऐसे ही छिलने में आसान लगता है और वायर भी कट नहीं करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इससे अच्छा आप जानकारी दे सकते हैं तो हमें कमेंट्स करके दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको जितने सॉकेट हैं उतने दूरी दूरी पे करके वायर के इंसुलेशन को हटा लेना है, ठीक है। तो चलिए हम कनेक्शन पहले फेज का करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टुकड़े वायर कट कर लिए हैं मैंने, थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दिया है। और ये देखिए, मैं न्यूट्रल का भी ऐसे करके छील लिया हूँ, अर्थिंग का भी वायर छील लिया हूँ। आपके पास एक ही कलर का वायर है तो उसमें निशान लगा लीजिए, ये अर्थिंग है, ये न्यूट्रल है और ये फेज है। लेकिन रूल के मुताबिक फेज को रेड कलर का लेना है और ब्लैक कलर का न्यूट्रल, और अर्थिंग के लिए ग्रीन कलर का वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ऊपर के हिस्सा है ये बोर्ड का, तो ऊपर वाले से छोड़ के नीचे वाले टर्मिनल में, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में एक लूपिंग वायर कनेक्शन करना है, जिसको पूरे स्विच को एक ही वायर से शॉर्ट कर देना है। देखिए, इसी को लूपिंग वायर बोलते हैं। तो इसको ऐसे करके पूरे में इतना लंबा छील के पूरे में लगा देना है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, और कस देना है, बढ़िया से कसना है फ्रेंड्स, यहाँ से स्पार्क ना हो, पूरा फुल टाइट दीजिए। उसके बाद देखिए, हमारा फेज यहाँ आ करके पूरे में चला गया स्विचों में। अब स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे हम कस रहे हैं सॉकेट के एक पॉइंट में। तो एक पॉइंट न्यूट्रल का होता है, ये देखिए हम न्यूट्रल वाले में लगा दिए हैं। तो ये न्यूट्रल में नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे देखिए एल लिखा होगा, ये ध्यान दीजिए, देखिए टेस्टर से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ लाइट होता है, एल मतलब लाइट मतलब फेज, और उधर न्यूट्रल होता है, और ये बीच वाला अर्थिंग होता है, यहाँ पे देखिए। तो हर कंपनी के सॉकेट के ऊपर, स्विच के ऊपर लिखा रहता है न्यूट्रल, अर्थिंग, फेज, आप गौर कीजिएगा। तो जहाँ एल लिखा हो वहाँ पे इसका कनेक्शन दे देंगे, जो स्विच से आउटपुट होकर के जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्विच से इस वाले सॉकेट का कनेक्शन देंगे, इसमें भी सेम टू सेम, जहाँ एल लिखा हो, मतलब एल मतलब क्या होता है, लाइन यानी कि फेज, ठीक है फ्रेंड्स। और ड्रेसिंग का भी ध्यान रखना है, आप अगर काम कर रहे हैं बढ़िया, कई काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, तो आपका फिनिशिंग आना चाहिए बोर्ड में, बोर्ड वायरिंग करते समय, तभी आपको अच्छा, एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन या अच्छा वर्कर माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं ड्रेसिंग के साथ देखिए कितना अच्छा तरीके से करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको करना है, उसी हिसाब से कट करना है वायर, ज़्यादा लंबा लंबा वायर नहीं कट करना है, और उसी हिसाब से छीलना है ताकि थोड़ा सा भी बाहर रहे ना वायर, जितना हमें उसके लूप
छीलना है जितना अंदर चला जाए और कस दें, स्क्रूप के अंदर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा फेज का कनेक्शन हो गया, चार स्विच में चार सॉकेट में फेज चला गया। अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे फ्रेंड्स। तो ये न्यूट्रल का आपको दिखाए थे, बगल में यहाँ एन लिखा है, ये देखिए यहाँ पे एन लिखा है, यहाँ पे भी एन लिखा है दोनों जगह। तो ये सारे न्यूट्रल, ये न्यूट्रल क्या होता है, डायरेक्ट होता है, फेज स्विच से होता है। तो स्विच ऑफ करेंगे तो हमारा सॉकेट काम करना बंद कर देगा, और फेज ऑन कर देंगे यानी कि स्विच ऑन कर देंगे तो हमारा सॉकेट काम करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी हम कनेक्शन करते हैं, देखिए बिना कट किए हुए वायर को छिले हुए हैं और न्यूट्रल का कनेक्शन कर रहे हैं ब्लैक वायर से। ठीक है, अगर आपके पास वायर नहीं है तो आप उस पर टेप चिपका लीजिए, या मार्कर से, काला मार्कर से दाग लगा लीजिए, या कुछ भी निशान लगा दीजिए कि ये हमारा न्यूट्रल का वायर है और ये फेज का वायर है और ये अर्थिंग का वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि देख सकते हैं फिनिशिंग भी कितना अच्छा आ रहा है। ऐसे ही कनेक्शन करते हैं बोर्ड का। ये न्यूट्रल का लास्ट वाला पॉइंट कस रहे हैं, ये देखिए लास्ट पॉइंट कस दिए और वायर को कट करना भी नहीं पड़ा। सभी सॉकेट में हमारा न्यूट्रल कनेक्शन हो गया, तो न्यूट्रल फेज हो गया कनेक्शन। अभी अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे। अर्थिंग जरूर लगाना फ्रेंड्स, सॉकेट 5-पिन सॉकेट है तो अर्थिंग इसमें जरूर लगाना फ्रेंड्स। 2-पिन का भी सॉकेट आता है तो उसमें फेज न्यूट्रल लगा करके लोग काम चलाते हैं। तो जो जिसमें, जैसे फ्रिज में क्या होता है, टॉप में आप देखेंगे उसके टॉप में 3-पिन टॉप होता है, तो उसमें एक मोटा वाला होता है जो अर्थिंग होता है। तो अर्थिंग की ज़रूरत होता है फ्रेंड्स, फ्रिज में, प्रेस में, कई ऐसे जो अप्लायंस हैं उसमें अर्थिंग ज़रूरी होता है। इसलिए 5-पिन सॉकेट का हम यहाँ इस्तेमाल किए हैं और अर्थिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अर्थिंग पहले वाले में कसे, फिर दूसरे वाले में, तीसरे वाले में कस दिए, चौथे में कस रहे हैं, चौथे सॉकेट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक कंप्लीट वायरिंग हमारा हो गया। देखिए अर्थिंग न्यूट्रल फेज हो गया ना फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा फेज आया ऐसे, और यहाँ स्विच ऑन होगा फिर इस सॉकेट में जाएगा, और ये सॉकेट यहाँ स्विच ऑन होगा इस सॉकेट में जाएगा, और ये स्विच ऑन होगा तो इस सॉकेट में, और ये स्विच ऑन होगा तो इस सॉकेट में। तो एक, हर एक स्विच के लिए एक सॉकेट है, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कनेक्शन करते हैं किसी भी बोर्ड का, फेज न्यूट्रल अर्थिंग। देखिए कितना स्मूथ काम भी कर रहा है फ्रेंड्स। एंकर कंपनी का ज़्यादा महंगा और ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ता है, मतलब मीडियम रेंज का है। तो ये कंपनी अच्छा खासा कंपनी है और ये यूज भी करते हैं हम लोग। देखिए कितना बढ़िया फिनिशिंग भी आया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।